बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद राशिद और आप देख रहे हैं राशिद अपडेट्स। इस वीडियो में दो अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉज के मुतल्लिक। सरकारी मुलाज़मीन के लिए वफाकी हुकूमत ने ईद एडवांस सैलरी जारी करने का ऐलान कर दिया है। हमेशा की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा के मौका पर यकम से पहले 23 जून को सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर को पेंशन और तनख्वाहें जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाक के अलावा दीगर शोबों और आज़ाद कश्मीर ने भी सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर को 23 जून से तनख्वाहें और पेंशन जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी अहम अपडेट कराची के हवाले से है। कराची में जो पिपरजाय तूफान था वो अल्लाह ताला के फजल करम से उसका जो ख़तरा था वो टल चुका है और शहर में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने की इजाज़त दे दी गई है। कमिश्नर कराची ने कराची शहर के अंदर जो इस तूफ़ान के बायस जो तालीमी सिलसिला जो तदरीसी सिलसिला और जो पेपर हो रहे थे वो मुलतवी कर दिए गए थे। अब कमिश्नर ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब शहर में तमाम तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गई हैं।